तो भाई मेरे पास कुछ सवाल थे जो कुछ पूछने थे, लेकिन शायद अब जवाब नहीं मिल पाएगा, तो शुरू करते हैं। सोचता हूँ क्या तुझे अब भी मेरी याद आती है, जब तू मोहब्बत में मशगूल किसी को साथ पाती है, जब तू अकेले कॉलेज से घर जाती है, जब तू मुझसे बात किए बगैर सो जाती है, जब तुझे कभी मुझ जैसी खुशबू आती है, क्या तुझे अब भी मेरी याद आती है। जब किसी की बातों में मेरी बात आती है, जब कभी मेरे नाम की आवाज़ आती है, जब तेरा दिया हुआ नाम कहीं लिखा पाती है, जब तू किसी दूर सफ़र पर जाती है, क्या तुझे अब भी मेरी याद आती है। तेरी शिकायतें सुनने का क्या अब कोई और साथी है, मुझे देखकर जो तू हल्के से मुस्कुराती थी, क्या अब कर पाती है। इन शर्द भरी रातों में मेरे आगोश की याद आती है, क्या कभी अकेले में हंसते हंसते उदास हो जाती है, क्या तुझे अब भी मेरी याद आती है। जब तू किसी अल्फाज को बोलने का सही तरीका सिखलाती है, जिन बच्चों को पढ़ाती है, क्या उन्हें वफादारी बतला पाती है। जिन बच्चों को पढ़ाती है क्या उन्हें वफादारी बतला पाती है, जिनके लिए छोड़ा क्या तुझे अब भी भाती है, क्या अब पहले की तरह सपनों में मुझे देख पाती है। सपना, हाँ वही ना जो तब आता है जब तुम किसी के बारे में बहुत सोचते हो, याद करते हो। खैर तुझे कहाँ मेरी याद आती है, खैर तुझे कहाँ मेरी याद आती है। सोने से पहले उठने के बाद, शामों सुबह होने के बाद, मुझे तेरी याद आती है, मुझे तेरी याद आती है। फिर एक लिखा था कि हम हालातों के मुंतजिर नहीं, कि हम हालातों के मुंतजिर नहीं, हमने ख्वाबों को आसमानों में लिखा है। हम हालातों के मुंतजिर नहीं, हमने ख्वाबों को आसमानों में लिखा है। हमारी मुस्कुराहट पर एतबार ना करना, हमने गमों में भी मुस्कुराना सीखा है। फिर एक लिखा है कि तुझे सिर्फ खोने का डर किसी दिन जान लेगा, आंखों से गिरा अश्क भी तेरा नाम लेगा। तुझे सिर्फ खोने का डर भी किसी दिन जान लेगा, आंखों से गिरा अश्क भी तेरा नाम लेगा। मेरा संभलना ना संभलना खैर बाद की बात है, मगर तुझसे बिछड़ना मेरी जान लेगा। और एक लिखा था कि तू ना मिली तो मुझे खुदा पर भरोसा ना होगा, कि तू ना मिली तो मुझे खुदा पर भरोसा ना होगा। होगा सबके लिए मगर शायद मेरा ना होगा, कि होगा सबके लिए मगर शायद मेरा ना होगा। गर होता तो मेरी दुआओं को भी कबूल करता, गर होता तो मेरी दुआओं को भी कबूल करता, जिसने हर अश्क के कतरों में अपना महबूब मांगा होगा। ऐसा नहीं कि इस जहां में कोई और नहीं, एक ही शख्स से मोहब्बत हो ये ऐसा दौर नहीं, कि ऐसा नहीं इस जहां में कोई और नहीं, एक ही शख्स से मोहब्बत हो ये ऐसा दौर नहीं। मगर हम जिसे चाहते थे, मतलब हैं, मगर हम जिसे चाहते थे, मतलब हैं, वो एक ही है, दो चार और नहीं। और एक ये सोसाइटी बेस्ड था, और जिनके लिए सच है, मतलब सभी के लिए सच ही है, बट जिनके लिए झूठ है तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि उनके लिए झूठ है। इस दौरे नफरत का शिकार सबका महबूब होगा, कि इस दौरे नफरत का शिकार सबका महबूब होगा। किसी परिंदे का भी ना कोई कसूर होगा, हर वो शख्स मजहब की वजह से दूर होगा, जिसका महबूब गैर मजहब का नूर होगा। अच्छा, इसमें एक वर्ड है आलम अरवाह। आलम अरवाह के मायने हैं कि जहाँ पे हम फिजिकल एग्जिस्टेंस से पहले एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ हमारी रूह होती है। और ऐसा कहा जाता है कि उस दुनिया में जो रूह हमारी इस रूह के करीब होती है, जब हम दुनिया में मिलते हैं उनसे, वास्तविक दुनिया में, तो उनसे हमें मोहब्बत हो जाती है जब उस रूह से हम टकराते हैं। तो इसके ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट था, वो लिखा था मैंने कि न जाने किस शख्स की बात हुई थी जिनसे आलम अरवाह में मुलाकात हुई थी, कि न जाने किस शख्स की बात हुई थी जिनसे आलम अरवाह में मुलाकात हुई थी, दुनिया में जिससे हमने रूहानी मोहब्बत की, कि दुनिया में जिनसे हमने रूहानी मोहब्बत की वो आखिरत में किसी और के साथ थी। और एक आखिरी शायरी है जो मैंने सभी दोस्तों के लिए लिखा है। आपने शायद आप सभी के लाइफ में स्कूल कॉलेज बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ, थोड़ा साथ बनाइएगा। आखिरी है, और इस शायरी का जो शीर्षक है वो मैंने ये रखा था, कब याद आता है दोस्त। जब जिंदगी में गम हो, आंखें तुम्हारी नम हो, जब रोने को कंधा ना हो, पास कोई बंदा ना हो, तब याद आता है दोस्त। जब जिंदगी से खफा हो और महबूब बेवफा हो, जब सब पत्थर के मूरत हो, फिर किसी के तुम्हें जरूरत हो, तब याद आता है दोस्त। जब मुश्किलों की घड़ी हो, आजमाइशें बहुत बड़ी हो, जब यादों का सहारा हो, फिर और कोई ना हमारा हो, तब याद आता है दोस्त। जब एग्जाम बहुत नजदीक हो, तुमने पढ़ी भी ना तनिक हो, जब चीटिंग का भी डर हो क्योंकि एग्जाम हॉल में सर हो, तब याद आता है दोस्त।
जब कहीं घूमने का प्लान हो मगर सफर थोड़ा अनजान हो, जब कहीं घूमने का प्लान हो मगर सफर थोड़ा अनजान हो, जब तुम्हें जश्न हो मनाना मगर जेब ना चाहती हो मानना, तब याद आता है दोस्त। जब कोई दूर हो के भी पास हो एक अपना सा एहसास हो, जब कोई दूर हो के भी पास हो एक अपना सा एहसास हो, जब सीने में भी तीर हो सिर्फ देखने वालों की भीड़ हो, तब याद आता है दोस्त। जब कॉलेज में हो फंक्शन और तुम्हें दिखाना हो एक्शन, तब कॉन्फिडेंस की बात हो फिर यार ना तुम्हारे साथ हो, तब याद आता है दोस्त। जब कॉलेज का टूर हो फिर कोई तुम्हारी हूर हो, कह ना पाओ बात हो जो कहनी एक रात हो, तब याद आता है दोस्त। जब स्कूल ना जाने का मन करे फिर मास्टर कॉल कर तंग करे, कि जब स्कूल ना जाने का मन करे फिर मास्टर कॉल कर तंग करे, एक बड़ा भाई हो ढूंढना जो तुम्हारी मदद करे, तब याद आता है दोस्त। बहुत शुक्रिया।